शव और शिव, ये दोनों को बड़ा जोड़ दिया जाता है। शव और शिव, हम तो कहते हैं कि जब तक मनुष्य के शरीर में श्वास है, मतलब चेतना श्वास है। चेतना है, श्वास है मतलब शिव है, शिव श्वास का स्वरूप है। तो शिव जब तक शरीर में है तब तक वो शरीर है, और जिस दिन शिव निकल गया तब वो शव बन गया, और फिर वो शव बन गया मतलब शंकर के धाम उसको लेकर जाना ही है, शमशान तक लेकर जाना है। दो अग्नि होती है, एक शमशान की अग्नि, एक चेतना की अग्नि, और संसार का व्यक्ति इन दोनों अग्नि के करीब में जाता है, पर मूल चीज ये है कि वो चेतना की अग्नि तक पहुंचते पहुंचते वापिस लौट आता है और आखिरी में शमशान की अग्नि तक पहुंच जाता है। पर जो मनुष्य शिव की आराधना करने वाला होता है वो चेतना की अग्नि तक भी जाता है, और आखिरी में तो उसे शमशान की अग्नि में जाना ही है। तो जिसने चेतना की अग्नि में तप लिया, जिसने चेतना की अग्नि में मंदिर गए हो, देवालय, लोग कहते हैं हमने व्रत करा, हमने चेतना की अग्नि में तप लिया, ना, जिस दिन आपके भीतर शंकर का निवास हो जाए, भीतर शंकर का निवास का मतलब है सब में शिव का दर्शन हो जाए, समझ लेना उस दिन तुम्हारी चेतना की अग्नि प्रकट हो गई है और आप चेतना की अग्नि में तप लिए हो। और अगर आप चेतना की अग्नि में तप लिए हो तो स्वयं जो शमशान में रहने वाला शिव है वो आपको दर्शन देगा और एक दिन अपने में ही समाहित कर लेगा, अर्थात शमशान की अग्नि में जीव चला जाएगा।